मैंने लाइफ में पहली दफा झील पे इतनी बर्फ देखी है, और ये दिन मेरे हिसाब से बेस्ट है अगर आप लेक पे आना चाह रहे हैं, और बर्फ देखना जो है वो लेदा ही यहाँ पे मजा है। देखिए मैं 2 किलोमीटर है यहाँ से झील, और अब ये इस तरह का रास्ता जो है ये इस तरह स्लिपरी शुरू हो गया है। अच्छा जी, डे 3 टाइम हो रहा है, तकरीबन 7 ही बज गए हैं, और रात यहाँ पे बारिश होती रही है, और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत बर्फ भी गिरी, तो जो दूर दूर पहाड़ है उन पे अब काफी बर्फ नजर आने लग पड़ी है। तो अब इसलिए सुबह सुबह जा रहे हैं कि धूप पड़ने से पहले पहले अगर लेक पे बर्फ पड़ी हुई है तो वो देख लें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सफर, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। और आज का सफर इस जीप में होगा। जिम्मी को हम होटल में छोड़ के जा रहे हैं, उसकी वजह ये कि हमारे पास कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी इस दफा ऑफ रोड की। दूसरा, रिसेंटली इसको हमने टायर डलवाए हैं न्यू, और थर्मोस्टेट वाल्व भी इसका जो है वापस डाल दिया है। इस वजह से फिर हमने सोचा कि रेंट जीप कर लेते, और ये हमें कितने में रेंट वो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। और रात हमें 2 और लोगों ने भी ज्वाइन किए, ये मेरे कजन, इनका नाम भी अली है, और ये इनके दोस्त है, इनका मुझे अब नाम भूल गया है, और पापा आपको पता है हर सफर में साथ होते हैं, और मुझे तो आप जानते ही हैं। मेन नारायण बाजार से झील का जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो तकरीबन 13-14 किलोमीटर है, और शुरू का 6-7 किलोमीटर जो है वही अच्छा एस्फाल्ट रोड है, उसके बाद ये सारा ऑफ रोड रास्ता है। ऑफ रोड रास्ता ये खतरनाक इतना नहीं है, पर बर्फ में ये थोड़ा सा खतरनाक है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप ये रास्ता देख के अंदाजा लगा ले। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लेक पे पहुंच गए हैं, और अब मैं आपको किस ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे पड़ी हुई है, और सर्दी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये थे ड्रोन शॉट, आई होप आपको पसंद आए होंगे। मैंने पहली दफा लेक पे इतनी बर्फ देखी है, और सर्दी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मेरे चारों तरफ इस तरह बर्फ पड़ी हुई है, और आप देख रहे हो कि मुझे सांस चढ़ा हुआ है। अभी टाइम हुआ 9:02, अब हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे ना 10 बजे के करीब कह रहे हैं कि बर्फ पड़ने के चांसेस है, तो अब हम 1 घंटा यहाँ रुक के देखते हैं, अगर तो पड़ गई तो अच्छी बात है, वरना फिर वापसी जो जीप का रेंट है वो मैं आपको होटल पहुँच के बता दूँ कि जीप कितने में मिल रही है। और नहीं जी, अभी तकरीबन आप देख रहे हैं सूरज भी निकल आया इस तरह, और बादल भी जो हट गए हैं, तो हमने डिसाइड ये किया कि हम वापस होटल में जाते हैं। ₹4500 में बात हुई थी जीप से, यहाँ पे 4500 किराया जो है वो फिक्स है, और ये का रास्ता बिल्कुल ठीक है, आप आसानी से जा सकते हैं लेक पे, इतना मसला नहीं है। अब ये कि पता नहीं है कि स्नोफॉल पड़ जाए, रास्ता बंद हो जाए तो फिर मसला बनेगा, मगर कह रहे थे कि अभी है 1 वीक, अगर बर्फ ना पड़े तो शायद ये लेक वाला रास्ता जो है खुला रहे। बाकी ये कि मजा काफी आया है, मैंने सोचा नहीं था कितनी बर्फ मिलेगी, असल में रात बारिश होती थी, कल तक कोई बर्फ नहीं थी वहाँ पे, जो रात बारिश हुई है उसके बाद ये सारी बर्फ पड़ी है, और इस तरह ये हुआ है।
बाकी इस तरह का अगर इस वीक आप नारायण आना चाह रहे हैं और आप पाउसा टॉप जाना चाह रहे हैं और आप अपनी गाड़ी पर आना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हैं कि आगे आपकी गाड़ी जाएगी या नहीं, रस्ते की क्या कंडीशन है, तो कल मैं पाउसा टॉप तक हम जाने की कोशिश की थी, तो आपको ये वीडियो आ रही होगी, इसमें आपको पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी जाएगी कि नहीं, तो आप ये वीडियो देख लें।